हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे सिगड़ीज स्पाइसी मसालों से सिगड़ीज रेस्टोरेंट जैसी एकदम शाही बिरयानी। आप इस मसाला पैकेट से एकदम सिगड़ीज रेस्टोरेंट स्टाइल में बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाया है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम पर आप टेस्टी बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले लेंगे सिगड़ीज स्पाइसी शाही बिरयानी मसाले का ये पैकेट है। ये 50 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP प्राइस है वो 60 रुपए है। आप इस पैकेट से 1 kg मटन या चिकन की बिरयानी बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 कप तेल में 400 ग्राम प्याज को पतले स्लाइस में कट करके इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर की होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखना है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो गई है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और प्याज को यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 कप तेल में प्याज को फ्राई किया था। ये तेल थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे, आधा कप के करीब। तेल को यहाँ पर निकाल लिया है। अब ये 1 kg चिकन है जिसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। तेल में ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम यहाँ हाई करेंगे। हाई फ्लेम पर चिकन को 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चिकन को हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। दोबारा इसे चलाएंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करके इसको भी चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये 300 ग्राम दही है। दही में पूरे पैकेट का मसाला ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिलाकर मसाले का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। दही में मसाले का पेस्ट बनकर तैयार है। दूसरी तरफ 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मसाले का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसी मसाले वाले बर्तन से 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड करेंगे। मसाले को चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपको नमक या कोई दूसरा मसाला ऐड नहीं करना है। सिगड़ीज स्पाइसेस मसाले पैकेट में सारे मसाले ऐड होकर आते हैं, यहाँ तक कि इसमें नमक भी ऐड है। नमक आप अपनी पसंद के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा ऐड कर दें। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्याज, जो हमने प्याज फ्राई करके रख ली थी। थोड़ी सी प्याज हम यहाँ बचा लेंगे, बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर प्याज ऐड करके अच्छे से चिकन में मिक्स कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट चिकन को पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके, ढक्कन हटाएंगे। चिकन को यहाँ पर अब दोबारा चलाएंगे। यहाँ पर अब ढक्कन लगाकर कढ़ाई को कवर नहीं करेंगे। इसी तरह से हम चिकन को पकाएंगे जब तक चिकन और मसाले तेल में अच्छे से पक ना जाएं। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये शाही बिरयानी बनाएंगे तो आपकी भी शाही बिरयानी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाली है। ये देखिए, यहाँ पर मसाले और चिकन तेल में काफी अच्छे से पक चुके हैं। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और पुदीना। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो 4 हरी मिर्च भी इस तरह इसमें ऐड कर दे। अब यहाँ पर चावल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 800 ग्राम चावल को 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। 2 टेबल स्पून नमक डालकर इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। चावल ऐड करने के बाद इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे। कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और पुदीना भी ऐड करेंगे। दूध में केसर और फूड कलर को भिगो दिया था, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर करेंगे। बिरयानी को लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, ढक्कन लगाकर कवर करेंगे। इसके ऊपर कोई भारी बर्तन या इस तरह से पत्थर इसके ऊपर रख दे जिससे कि बाहर भाप ना निकलने पाए और इसे 10 मिनट पकने के बाद 10 मिनट के बाद इस तरह से खोलें। ये देखिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और बिरयानी को मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम मसालेदार टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये लीजिए, सिगड़ीज रेस्टोरेंट जैसी टेस्टी शाही बिरयानी बनकर तैयार है, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। तो आप भी इस बिरयानी को बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही लाजवाब ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।